किशोर अवस्था में हर नई चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, इसलिए किशोर किशोरियां जोखिम उठाकर कोई भी नई चीज को आजमाना चाहते हैं। और तो और, बड़ों के समझाने के बावजूद भी दोस्तों या अन्य को देखकर या उसके दबाव में आकर इस उम्र में नशा करने लगते हैं। नशा कई प्रकार का होता है। एक बार लिया गया नशा आदत बन सकता है और इस नशे की लत से शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक दुष्परिणाम भी होते हैं। आज हम नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और नशे के लिए न कहने के तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मत पालो तम्बाकू गुटखे की लत, नहीं तो हो जाएगी बुरी गत। पिछले भाग में हमने देखा था कि पवन कैसे दोस्तों की मदद से अवसाद से उबर गया। इस भाग में देखना है कि रंजीत तम्बाकू गुटखे की लत से उबर पाता है या नहीं। आज छुट्टी है, रंजीत का बस्ता धो देती हूँ, कितना गंदा हो गया है। अरे ये क्या है, रंजीत कब से यह खाने लगा? रंजीत, ओ रंजीत। क्या है माँ, आज तो रविवार है, सो लेने दो ना। क्या रे, ये क्या है? होगा कुछ, मैं क्या जानू। मुझे बनाने की कोशिश मत कर, ये तेरे बस्ते से निकली है। मेरे बस्ते से रख दी होगी किसी जलकुकड़े ने, क्लास में दूसरे लड़के खाते हैं ना। कोई दूसरा क्यों रखेगा, तू खुद ही खाता है। नहीं माँ, कसम से मैं नहीं खाता। खबरदार, झूठी कसम मत खा, तेरे कपड़ों में गुटके की बास आ रही है। मैंने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया, सच बता तू कब से खाने लगा है। माँ वो क्या है कि स्कूल में केशव ने नवीन को आदत लगा दी, नवीन की देखा देखी विकास भी, और उनकी देखा देखी तूने भी। ऐसे बखान कर रहा है जैसे बहुत बहादुरी का काम हो। हाँ माँ, बहुत बहादुरी का काम है, शुरू में चक्कर आते हैं, जी मचलाता है। मैं अभी आया, तुम आगे चलो। क्या लेने जा रहे हो? अरे देखो रंजीत तो वो पान की दुकान से गुटके का पाउच खरीद रहा है। इसके लिए पैसे कहाँ से लाया वो? रंजीत तुम ये गुटका कब से खाने लगे? क्यों, स्कूल में कितने ही लड़के खाते हैं, कुछ लड़कियों को भी है शौक लग गया है। तुम शान भगा रहे हो। कई लोग खाते हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं, क्या हम अपनी मर्जी से कुछ खा पी भी नहीं सकते? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तम्बाकू गुटका खाओ, पौष्टिक चीजें खाओ पियो जो सेहत को नुकसान न करे। माधव एक बार खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। मुस्कान तुम भी लो। मैं तो भूल कर भी ऐसा जहर कभी ना खाऊं, तौबा तौबा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। रंजीत इसके लिए पैसे कहाँ से लाते हो? पिताजी की जेब से पैसे पार करना अपने बाएं हाथ का खेल है। तुम एक साथ कई बुरी आदतों में फंस गए हो, गुटखा खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, दोस्तों को गुटके की आदत लगाकर बिगाड़ना। पढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान है नहीं, दांत देखे हैं तुम्हारे कैसे पीले पड़ गए। छी रंजीत, टीवी पर गुटके के विज्ञापन के साथ क्या लिखा आता है देखा है क्या? यह सेहत के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर हो सकता है। तुम दोनों ने उपदेश देकर मेरे कान पका दिए, मेरा घर आ गया है। अरे आशा दीदी आप यहाँ? हाँ मीरा भाभी ने बुलाया था, बात ही कुछ ऐसी थी, रंजीत अभी से गुटका खाने लगा है। हाँ दीदी यही तो समस्या है, आजकल लड़के लड़कियों को गुटके खाने की लत लग गई है। शाला के कुछ लड़के तो चोरी छुपे सिगरेट भी पीने लगे हैं। ए, पर वे सिगरेट लाते कहाँ से हैं? वे सड़क पर पड़ी अधजली सिगरेट के टोटे बनाकर जेब में भर लेते हैं, फिर अकेले में बैठ कर पीते हैं। तुम उन्हें रोकते नहीं? टोकता हूँ तो कहते हैं कि आओ तुम्हें भी धुएं के छल्ले बनाने सिखाएं, मैं तो दृढ़ता से मना कर देता हूँ। दीदी इसका जल्दी से कोई हल निकालना पड़ेगा। इनके माता पिता को बताएं तो वे इन्हें मारेंगे पीटेंगे, इससे ये और जिद्दी बनेंगे। दीदी
कोई जानकार इन्हें इससे होने वाले शारीरिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान के बारे में बताए, तभी ये समझेंगे। पर इन्हें इस बारे में समझाएगा कौन? देखो, ऐसा करो, अपने प्रधानाध्यापक से मिलकर बात करो। वे अपने गांव के डॉक्टर साहब और HSC को विद्यालय में आमंत्रित करेंगे। हाँ, यह ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है, पर उससे पहले एक काम और करते हैं। कल हम चंदन के घर मिलने चलते हैं, उसे भी इस कार्यक्रम में बुलाना जरूरी है। चंदन के घर? क्यों? दीदी, क्या हुआ है चंदन को? चंदन कौन है? आशा दीदी, माधव, मुस्कान दूसरे दिन चंदन के घर जाकर क्या देखते हैं, यह जानने के लिए देखिए अगला भाग। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रंजीत को गुटखे की लत किसने लगाई? रंजीत गुटखा कहां से खरीदता है? इसके लिए वह पैसे कहां से लाता है? गुटखा खाने के साथ रंजीत और किन किन बुरी आदतों में फंस गया है? मुस्कान और माधव गुटखे और सिगरेट का प्रतिकार किस तरह करते हैं? क्या मारपीट, डांटने, धमकाने से बुरी लत से छुटकारा पाया जा सकता है? आशा दीदी ने समस्या के निराकरण के लिए क्या सुझाव दिया? याद रखने वाले मुख्य संदेश। नशीले पदार्थ। ये वे पदार्थ हैं जो हमारे दिमाग और शरीर के सामान्य कामकाज पर असर डालते हैं। नशे की आदत अचानक से नहीं पड़ती, ये धीरे धीरे अपने चंगुल में लेती है और पता भी नहीं चलता। कोई 2 दिन में इसका आदि हो जाता है तो कोई 2 महीने में। जब नशा छोड़ना चाहते हैं तो मालूम होता है कि अब शरीर और दिमाग बस में नहीं है, क्योंकि वे नशे के आदि हो चुके हैं और उसकी मांग करते हैं। गुटखे का दुष्प्रभाव। नशीले पदार्थों को इनके बुरे असर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, वे पदार्थ जो हमारे शरीर की तंत्र व्यवस्था यानी नस नाड़ियों को धीमा और सुस्त कर देते हैं, जैसे कि शराब, हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर आदि। दूसरा, वे पदार्थ जो उत्तेजना देते हैं और तंत्र व्यवस्था को तेज कर देते हैं, जैसे कि तमाखू, सिगरेट, कोकेन, ब्लो, क्रैक, फ्लेक, कैंडी आदि। तीसरे, वे पदार्थ हैं जो हमारे दिमाग पर असर डालकर हमारी समझ को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। जो नहीं है वो दिखाई या सुनाई देता है या महसूस होता है, जैसे कि कैनाबीज, भांग, गांजा, LSD। इन नशीले पदार्थों से मति भ्रम होते हैं, यानी ऐसे दृश्य दिखते हैं जो असल में होते ही नहीं।